इस तरह साडा यह जिहड़ा समय वह गुजर रहा है। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मरना। मैं सोचता सी कि असी किन्ने खुश होने आ, रंग बिरंगी वीर दिखा रहे ने रंग बिरंगे पत्तिया पौद्या वेख के कि सोहना लगता अखा न, पर यह पत्तिया दे रंग दरख्तां दे रंग बदल रहे ने ते रंग साडा भी बदल रहे। इस तरह जिवें आ पत्ते हौली हौली करके सुकणगे झड़नगे बिलकुल सुक जाने ने, इस तरह यह साडा जीवन है। कनेडा दे विच मैं इत्थे टोरंटो गुरमत प्रचार की सेवा निभाउण लई आया। टैंपरेचर जिहड़ा हैगा इत्थे अज 6-5 ते चला गया, 5 डिग्री दे उत्ते अद्धे ने, ते रात नूं बहुत ज़्यादा होर भी ठंड हो जाती है, 2 तक आ जाता है। और जिहड़े वीर इत्थे परमानेंट रहिंदे आ दसदे आ कि होर भी ज़्यादा जिहड़ा इत्थे ठंड है वधनी है, बर्फ पैण लग जानी है। और अज असीं इत्थे वेख रहे सी, आ तुसीं दरख्तां नूं देख रहे हो मेरे नाल आसे पासे, ये दरख्तां दे रंग बिरंगे जिहड़े पत्ते ने वह इस गल का प्रतीक ने। हालांकि वेखण नूं तां ये पत्ते बहुत सोहणे लगदे ने, लोक इन्हां पत्तियां नूं इन्हां दरख्तां नूं इस मौसम दे विच वेखण दे लई आउंदे ने, पर यह इस गल का प्रतीक ने कि इत्थे हुण पतझड़ दी रुत्त आई हुई है। ये पत्तियां ने हौली हौली करके इदां डिगणा है टुटना ते इदां ही ये सुक जाणगे दरख्त, क्योंकि बर्फ पैण लग जानी है। मैं वेख रहा सी कि लोग जिहड़े ने इत्थे वेखण आउंदे ने और बड़े खुश होंदे ने इन्हां दरख्तां दे नाल फोटोआं खिचा के, क्योंकि पत्तियां दे रंग जिहड़े बदलदे रहिंदे आ। पर इन्हां पत्तियां नूं इन्हां दरख्तां नूं वेख के सानूं अपने आप का भी अहसास करना चाहीदा है, जिवें सतगुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह ने समझाया, पत्तर पुरझेण झड़ियां नह जड़ियां पेड़ संपता, नाम बिहून बिखमता, नानक बहंत जोन बासरो रहनी। जिवें पत्ते एक बारी दरखत तो जो टुटते हैं हौली हौली करके भुरदे ने, दोबारा इस दरखत के नाल नहीं जुड़ते। मेरे मालक कहिंदे ने बिल्कुल इस तरह हौली हौली करके ये तेरी उम्र भी जिहड़ी है, रंग इकले इन्हां दरख्तां दे नहीं बदलते, रंग साडे भी बदलते हैं। कदे बचपन सी जवानी बुढ़ापा शरीर दे रंग च भी फर्क पैंदा है, ताकत च भी फर्क पैंदा है, केसां दे रंग बदलते ने। सो साडा भी समा जिहड़ा है, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बारह बार, ज्यों बनफल पाके पोहे गिरै बोहर ना लागै डार। जिवें दरखत तो टुटिया होया फल दोबारा दरखत दे नाल नहीं जुड़दा, इस तरह साडा यह जिहड़ा समय वह गुजर रहा है। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मरना। मैं सोचता सी कि असी किन्ने खुश होने आ, रंग बिरंगी वीर दिखा रहे ने रंग बिरंगे पत्तिया पौद्या वेख के कि सोहना लगता अखा न, पर यह पत्तियां दे रंग दरख्तां दे रंग बदल रहे ने ते रंग साडा भी बदल रहे। इस तरह जिवें आ पत्ते हौली हौली करके सुकणगे झड़नगे बिल्कुल सुक जाने ने, इस तरह यह साडा जीवन है। असी भी नाशवान आ, साडा शरीर शमशान तक पहुँचना यकीनी है, लाजमी है। इस तो पहला कि साडा शरीर शमशान तक पहुँचे, असी शब्द गुरु के आसरे अपनी सुरत नूं परमात्मा च अभेद करन दे लई जतनशील होना है। अज इत्थे कनेडा दे विच जिथे वलिहारी कुदरत वसिया दा नज़ारा वेखण नूं मिलिया कि वाहिगुरु जी ने किन्ने तरह के ये जिहड़े दरखत पैदा किए ने, उत्थे नाल नाल ये अहसास भी होया कि असी दरख्तां दे रंग बदलदियां वेख के तां बहुत खुश होंने आ, पर अपने वल कदे ध्यान नहीं जांदा कि रंग साडे भी बदल रहे ने। बचपन तो जवानी बुढ़ापा इस तरह मौत वाले पासे नूं वध रहे हैं। जाननी जानत सुत वड्डा होत है, इतना को न जाने जे दिन दिन अवध घटत है। इसलिए इन्हां दरख्तां नूं वेख के इत्थों स्वै पड़चोल करनी चाहीदी है कि इस तों पहला जिहड़ा साडे सुआस मुक जाण, साडा जीवन खत्म हो जाए, असी इस जीवन दे विच की कर रहे हैं। जो सानूं गुरु महाराज ने दस्सिया, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म,
गुरु के ज्ञान मुताबक जिंदगी ज्योंदियां वाहिगुरु की याद विच जुड़ के अपने जीवन नूं सफल करिए। भुलां चुकां लई माफी। बहुत लोग आनंदित होंदे है, खुश होंदे है इन्हां दरख्तां नूं वेख के। सो इसलिए ये दरख्तां नूं वेखदे आ कुछ ना कुछ याद आ रहा सतगुरु के बचन जिहड़े आप जी ने सांझे कीते है।